रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत ने 29 जून को बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था और इस शानदार जीत के बाद BCCI ने भी अपना खजाना खोला था। तो आइए जानते हैं इस खजाने से किसको कितना मिला और क्या मिला। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। दोस्तों, BCCI ने T20 विश्व कप विजेता टीम के लिए 125 करोड़ रुपए की इनामी राशि घोषित की थी। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत ने 29 जून को बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर दूसरी बार T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था और इस शानदार जीत के बाद BCCI ने भी अपना खजाना खोला था। और इस बात को लेकर कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि इनामी राशि टीम के सदस्यों में किस तरह से बांटी जाएगी। अब एक रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ। इस वैश्विक टूर्नामेंट के लिए भारत की तरफ से कुल 42 सदस्यों का दल भेजा गया था। भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद मुंबई में विश्व विजेताओं का भव्य स्वागत किया गया था। गुरुवार को टीम बारबाडोस से नई दिल्ली पहुंची थी, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। PM से मिलने के बाद टीम शाम को मुंबई पहुंची, जहां पर एयरपोर्ट पे भारतीय खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद मरीन ड्राइव से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक खुली बस में विजय जुलूस के साथ टीम का अभिवादन किया गया था और इस विजय जुलूस में भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों का हुजूम उमड़ पड़ा था। विजय जुलूस के बाद वानखेड़े स्टेडियम में BCCI ने भारतीय टीम को सम्मान किया। वहीं बोर्ड के पदाधिकारियों ने टीम को 125 करोड़ रुपये का चेक सौंपा था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार BCCI ने जो 125 करोड़ रुपये की इनामी राशि का ऐलान किया था, उनमें से सबसे ज्यादा 15 सदस्य भारतीय टीम के खिलाड़ियों और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को मिले थे। 10 सदस्य टीम में 3 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने एक भी मैच नहीं खेला था, वो सिर्फ प्लेइंग 11 में थे। रिपोर्ट के अनुसार कप्तान रोहित शर्मा सहित 15 खिलाड़ियों तथा कोच राहुल द्रविड़ को 5-5 करोड़ रुपए की राशि दी गई। इनमें ये शशि जायसवाल, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल भी शामिल हैं जिनमें एक भी मैच नहीं खेला था और द्रविड़ का कार्यकाल T20 विश्व कप के फाइनल के साथ ही समाप्त हो गया है। दोस्तों, मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को भले ही 5 करोड़ रुपये का इनाम मिला, लेकिन उनके अन्य साथियों को भी 2.5 करोड़ रुपये दिए गए। बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर, फील्डिंग कोच टी दिलीप और गेंदबाजी कोच पारस मांबड़े को 2.5 करोड़ रुपए। वहीं फिजियोथेरेपिस्ट, थ्रो डाउन विशेषज्ञ, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच जैसे अन्य बैकरूम स्टाफ को 2-2 करोड़ रुपए दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक रिंकू सिंह, शुभमन गिल, आवेश खान और खलील अहमद के अलावा चयन समिति के 5 सदस्यों को 1-1 करोड़ रुपए की इनामी की राशि मिली। इसके अलावा इनामी राशियों को वीडियो एनालिस्ट और BCCI स्टाफ के सदस्यों में भी बांटा गया है। इससे पहले BCCI सचिव जय शाह ने कहा था, जहां तक 125 करोड़ रुपए का सवाल है तो यह रकम खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ, कोच और चयनकर्ताओं में बांटी जाएंगी। मालूम हो कि BCCI के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी भारतीय टीम के लिए 11 करोड़ रुपए की इनामी राशि घोषित की थी। तो इस प्रकार खजाना खुल गया था भारतीय टीम के लिए और किस प्रकार पैसों की बारिश हुई है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्तों। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।